विनायकी गणेश चतुर्थी व्रत। क्या है इस व्रत के लाभ? व्यापार, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि सब में मिलेगा इस व्रत का लाभ। इसे दूर्वा गणपति व्रत भी कहते हैं। कैसे करें इस व्रत को? क्या है इसकी विधि? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। जैसा कि आपको मालूम है, आज बहुत ही पावन दिन है, वैनायकी गणेश चतुर्थी है। इसके व्रत के बारे में पंडित जी से जानेंगे, क्या है इस व्रत के लाभ, व्यापार, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि सब में इस व्रत का लाभ मिलता है, और इस कैसे करें इस व्रत को, ये भी इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि इसका महात्म क्या है। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए जिस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की कि भगवान गणेश का जो दिन है, जो तिथि है, वो चतुर्थी तिथि होती है, और ये जो मास चल रहा है, जो श्रावण मास है, वह मास पूरी तरीके से समर्पित होता है भगवान गणेश के जो पिता हैं, परम पिता परमेश्वर श्री महाकाल को। तो जब उनका मास हो और उसमें चतुर्थी तिथि आ जाए तो उनके परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो चतुर्थी तिथि है, मैंने बताया कि वो समर्पित है भगवान श्री गणेश को। भगवान गणेश किसी भी विशेष कार्य में, किसी भी शुभ कार्य में, मांगलिक उत्सव में, किसी भी पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान में प्रथम पूज्य है। यूं कि जब आप रुद्राभिषेक करते हैं सावन के महीने में, सावन के सोमवार में, या आप 16 सोमवार का व्रत करें, उसमें भी सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है। या अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, आपने ये ठान लिया है कि आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, अगर आप उस कथा को शुरू करते हैं ऐसी परिस्थिति में, जिसको महापूजा मानी जाती है, कलयुग में महापूजा मानते हैं सत्यनारायण व्रत कथा को, महापूजा के समय में भी सबसे पहले अगर किसी की पूजा होती है तो वो भगवान गणेश की। और जब श्रावण हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस व्रत को करना है। आपको करना यह है कि आज की दिनचर्या जब आप शुरू करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के आप भगवान गणेश की एक प्रतिमा, फोटो या एक चित्र जो है अपने घर में ले आए। उस प्रतिमा में एक दंत और चतुर्भुज युक्त भगवान का की प्रतिमा होनी चाहिए। उसको सिंहासन पर या लकड़ी के पाट पर हरे वस्त्र बिछा करके अथवा लाल वस्त्र बिछा करके आप उनको स्थापित कर दें। पुष्प और दूर्वा से आप उनको सुशोभित करिए, उनको आप अर्पित करिए, और उसके साथ साथ आपको फिर उसके बाद उनका दूध दही घी से आपको उनका पंचोपचार पूजन करना है। आप जब आप पंचोपचार पूजन कर ले, उसके बाद भगवान श्री गणेश को आप अपामार्ग और शमी पत्र अर्पित करेंगे। जब आप शमी पत्र अर्पित करेंगे तो आपके जो भी कष्ट है, जो भी पाप है, शमी पत्र के बारे में कहते हैं शमी शमयते पापम, जब भी आप शमी अर्पित करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जब ये अर्पित करें तो अपने मन के जो भाव है, जिस वजह से, जिस कारण से, जिस संकल्प के साथ आपने इस अनुष्ठान को किया है, इस व्रत को किया है, आपके अगर व्यापार नहीं चलता, आपके बच्चे का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता, तो आप किसी भी प्रकार के अपने कष्ट को उसमें जोड़ सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा से उसमें तत्काल आपको लाभ मिलता है। इस दिन अगर कोई साधक भगवान गणेश के 12 नाम भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही से लिख ले और अनार की कलम से लिख कर आप ब्राह्मण को बांट दें, अगर आप अलग अलग ब्राह्मण को बांट दें, तो आपकी जो भी मनोवांछित कार्य है, जो भी इच्छित कार्य है, वो पूर्ण हो जाते हैं। सायंकाल भगवान गणेश का विधिवत पूजन करने के बाद ब्राह्मण भोजन करा लेना और उसके बाद स्वयं कुछ अन्न ग्रहण करना या फलाहार ग्रहण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। यूं समझ लीजिए कि आपके जो कार्य वर्षों से रुके पड़े थे, अनायास उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती थी, बच्चे का मानसिक विकास पूरा नहीं था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पूरी मेहनत के बाद भी विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलता था, यहाँ पे ध्यान देने की बात यूं है कि विद्यार्थी भी इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं, आपको भी बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे। तो पंडित जी के सानिध्य में रह के कुछ नाम मुझे भी याद है भगवान श्री गणेश के, जैसे गणेश तो है ही, उसके अलावा वक्रतुंड, एक दंत, अमय, ये कुछ नाम है जो मुझे याद है पंडित जी, और हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए पूंजी निवेश बढ़ेगा। इस समय में आपके लिए निवेश का उत्तम समय आ गया है, तो इस समय अगर आपकी निवेश की योजना है तो अवश्य करें। आर्थिक सलाह ले लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। निवेश करें लेकिन सही जगह पे करें, ज्यादा उत्सुकता में न रहे। दूसरी राशि है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सुख की कमी और अशांति आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। आज की दिनचर्या में ओम प्रवताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने के साथ साथ मांसाहार से दूर रहना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए अब अगली राशि का नंबर आता है। अगली राशि है मिथुन राशि।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्यस्थान में तनाव की स्थिति बनती है, तो आज की दिनचर्या में ओम पवित्राय नमः या भगवान गणेश की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इस समय में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और अब जो भगवान गणेश के व्रत के बारे में अभी तक पंडित जी ने हमें बताया कि व्रत की जो विधि है वो क्या, पंडित जी जो 12 नाम बताए गए हैं भगवान श्री गणेश के, उनके बारे में अगर कुछ बताएं आप। जी बिल्कुल, मैं अवश्य बताऊंगा। और मैंने बताया कि अगर आप अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही से आप ये 12 नाम लिख लें भोजपत्र पे और अलग अलग 12 ब्राह्मणों को आप इसका वितरण करें तो आपके सारे मनोवांछित कार्य इच्छित कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये 12 नाम कौन से हैं और ये नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। वक्रतुंड अर्थात उनकी जो सूंड है वह टेढ़ी, इसलिए उनको वक्रतुंड कहा गया है। एक दांत दिखाई देता है, आपने देखा होगा, इसलिए भगवान श्री गणेश को एक दंत की उपमा दी गई है। कृष्ण पिंगाक्ष ये उनका दूसरा तीसरा नाम है, गजवक्र ये चौथा नाम है, लंबोदर विकटमेव अर्थात कितनी भी विकटमेव परिस्थिति हो उसको हरने वाले जो है वो भगवान गणेश है, विघ्नराज है, विघ्न के समक्ष आप भगवान गणेश का नाम ले लीजिए विघ्न दूर हो जाता है अर्थात इसलिए उन्हें विघ्नराज कहते हैं, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति तथा गजानन ये उनके नाम है। इन 12 नामों को यदि आप अष्टगंध की स्याही से और अनार की कलम से भोजपत्र पे लिख करके अलग अलग 12 ब्राह्मणों को इसका वितरण करेंगे तो आपके परिवार में जिस भी प्रकार का कष्ट होगा जिसके निमित्त आपने ये अनुष्ठान किया है वह अनुष्ठान निश्चित ही पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें मालूम है जब पंडित जी यहाँ स्टूडियो में उपस्थित होते हैं तो बहुत से सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताना ना भूलिएगा। सरोज है नासिक से हमें फोन कर रही है। सरोज, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम ऑफ बर्थ और साथ ही आपका क्वेश्चन क्या है? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरे को मेरे लड़के का पूछने का है, उसका बर्थडे 21/6/86 जी, और सुबह 11 बजे जी। क्या प्रश्न है आपका? उसने बी करा है पर इतना अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। समय एक बार फिर से बता दीजिए। सुबह 11 बजे जी। देखिए, आपके बच्चे के लिए ये दशा जो चल रही है वो करियर से जुड़ी हुई दशा है क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र इस बच्चे की कुंडली में दशम भाव का स्वामी बनता है, उसके साथ साथ तृतीय भाव का स्वामी है। तो अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, जैसा हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जो तृतीय भाव है वो किसी भी जातक की कुंडली में हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में संघर्ष को दर्शाता है और दशम भाव जो है वो करियर कार्य क्षेत्र का भाव है। तो इससे सीधे सीधे यही परिलक्षित होता है कि अगर ये बच्चा अपनी मेहनत करे, मेहनत से पीछे ना हटे, कठोर परिश्रम करे तो ये समय उसके कार्यक्षेत्र के निर्धारित होने का, स्थापित होने का बहुत उत्तम समय है। इस समय में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना इस बच्चे को, इस जातक को बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। बिल्कुल, और वैनायकी चतुर्थी के बारे में, आज गणेश चतुर्थी के बारे में हमें पंडित जी बता रहे हैं, कुछ और बातें इनसे रोचक बातें जानेंगे। पंडित जी अगर आपकी इजाजत हो तो राशियों के सफर को आगे बढ़ाएं, कर्क राशि की बारी आती है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए साथी के साथ, परिवार के साथ भ्रमण के लिए जा सकते हैं। आज की दिनचर्या में गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, गणेश गायत्री का जाप करना आपको लाभ देगा, साथ ही आपको आज दिनचर्या में निवेश से बचना है। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति बेहद कठोर हो सकता है जिसे आपको सौम्य रखने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व दें और अपनी मनमानी अधिक न करें। चलिए इससे आगे राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले जो मंत्र और जाप आज के दिन किए जाते हैं, जिस तरह का पाठ वैनायकी चतुर्थी के लिए करना होता है उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, अगर कोई भी जातक, कोई भी साधक इस मंत्र को कर रहा है पूरी निष्ठा के साथ, या यदि ऐसी परिस्थिति है कि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस व्रत को नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आज की दिनचर्या में संध्याकालीन समय में ओम गंगणपतय नमः मंत्र का जाप कर लेना, मूंगे की माला पर, लाल मूंगे की माला पर या सिर्फ रुद्राक्ष की माला पर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। कम से कम 108 बार ओम गंगणपतय नमः उच्चारित करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आपके मन में भावना ज्यादा है, आप भगवान की विशेष आराधना करना चाहते हैं, तो आज की दिनचर्या में श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चलिए राशियों के सफर में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंडित जी, ये राशि जो है मेरे लिए बड़ी खास होती है। बिल्कुल, आपकी राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में सफलता मिलेगी, ओम ईशानाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। समय व्यर्थ करने का ये अवसर नहीं है, इस समय आपको सभी अवसर के लाभ लेने चाहिए। चलिए अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से तनाव की स्थिति दिखाई देती है, साथ ही ओम अग्रहाय नमः मंत्र का जाप करें यदि, तो सभी कष्ट आपसे दूर रहेंगे।
चलिए आप आगे राशि की अगर हम बात करें तो वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको कई आर्थिक समस्याओं से आज की दिनचर्या में छुटकारा मिल सकता है, जिनको आप काफी समय से झेल रहे थे। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम प्रदर्शनाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो आज थोड़ा सोच समझ के निवेश करें। बिल्कुल, और श्वेता इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है दिल्ली से। श्वेता, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन क्या है? पंडित जी प्रणाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1979 जी, और शाम का समय 7:35 भोपाल का जी। मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी जी। श्वेता जी, ये जो जन समय के अनुसार जो आपकी पत्रिका बन रही है, ये समय आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा समय है। बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति जो है तृतीय भाव के साथ साथ 12वें भाव का स्वामी है, तो इस समय संघर्ष ज्यादा है और व्यय बहुत ज्यादा है, अर्थात खर्च बहुत ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना, क्योंकि बृहस्पति की दशा है, आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी लाभ देगा। आर्थिक समस्याएं जो चल रही हैं, जिसको लेकर के आप परेशान हैं, चिंतित हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल, तो पंडित जी ने आज हमें वैनायकी चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के बारे में बताया। आज ये पावन दिन है, किस तरह से व्रत किया जाए, व्रत की विधि क्या होती है, उसका लाभ क्या होता है, गणेश जी के 12 नामों के बारे में भी पंडित जी ने हमें बताया। यदि किसी कारणवश आपने देर से ये प्रोग्राम देखना शुरू किया, कुछ आपका मिस हुआ ये प्रोग्राम, तो हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com, IBN7 की वेबसाइट, इस पर ये पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम आप देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चार राशियां भी बाकी बची हैं, उनके बारे में पंडित जी से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक 8 राशियों के बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा से जाना है, अब बारी आती है 9वीं राशि की, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। पंडित जी, इनके जातकों के लिए क्या कहना है? जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके स्वभाव में नम्रता की कमी रहने वाली है, तो आज के दिन आपको विनम्र व्यवहार करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मादक द्रव्यों के प्रयोग से सेवन से निश्चित तौर पर बचना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, आज की दिनचर्या में ओम लोहिताक्षाय नमः मंत्र का जाप कर लेना और कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावट से तनाव न लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो अब धीरे धीरे करते हुए हम 11वीं राशि पे पहुंचे हैं, एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अधीनस्थों के मध्य आपका महत्व कम हो सकता है, जिसको आपको अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को अन्नदान करेंगे, हर प्रकार के कष्ट से सुरक्षित रहेंगे, किसी दूसरे के वाद विवाद में न पड़े। आखिरी बारी आती है पाइसिन यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करें, ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, नशे की हालत में आप मांस मदिरा का प्रयोग तो नहीं करें, साथ ही साथ नशे की हालत में वाहन के प्रयोग से भी बचना चाहिए। तो चलिए हम बता दें आपको कि आज हमारे आचार्य जी हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा, आज शुभ दिन इसलिए भी है क्योंकि इनका जन्मदिन है। पंडित जी, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद है बुलेट न्यूज़, थोड़ा इंतजार।